और चलिए इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से आ रही है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की आज बैठक, दोपहर 3 बजे हरियाणा निवास में होगी बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है हरियाणा निवास में, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। नव निर्वाचित सांसद कृष्ण लाल पवार और कार्तिकेय शर्मा भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अनिल। अनिल, किन किन बातों को लेकर, किस एजेंडे को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के विधायक भी शामिल रहेंगे। और इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो हाल ही में कृष्ण लाल पवार और कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय तौर पर राज्यसभा पहुंचे वो भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर चर्चा की जाएगी आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जिस तरीके से दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उसको लेकर अहम रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। और कल जिस तरीके से एक दिन पहले निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर भी चर्चा विधायक दल की बैठक में की जाएगी। बिल्कुल अनिल, यहाँ पर किस तरह से बीजेपी इस चुनाव के नतीजों को देख पा रही है? बीजेपी के खेमे में किस प्रकार के आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है इमोशंस देखा जा रहा है कि खुशी है इस पक को लेकर के, या थोड़ा सा मायूसी है कि निर्दलीय जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, या और तेजी के साथ में और ज्यादा मजबूती के साथ में तैयारी किस प्रकार से आगे आगामी चुनावों की जाए उसको लेकर चर्चा होगी? जिस तरीके से चुनाव जीते रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफी बेहतर चुनावी जो नतीजे हैं वो रहे हैं। क्योंकि जो उम्मीदवार जीत कर आए हैं 22 भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के। इसके अलावा जो 3 निर्दलीय जो उम्मीदवार जीत कर आए जिनमें पूना से हैं सफीदो और महम से जो जो जीत कर आए हैं अध्यक्ष वो भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो 24 से ज्यादा है। और इसके अलावा अगर 3 जेजेपी के जो जीत कर आए हैं अध्यक्ष पद के चुनाव वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में इन चुनाव को देख रही है। 14 जो नगर परिषद के सीटें थी उन पर चुनाव लड़ा था और 14 में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी के जो नगर परिषद के अध्यक्ष है वो जीत कर आए। जी, तो अनिल, यहाँ पर ये बैठक जो है कब आयोजित होने वाली है और कितने जो पार्टी के नेता हैं इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए 3 बजे का समय रखा गया है, चंडीगढ़ हरियाणा निवास में बैठक होगी। और क्योंकि विधायक दल की जो ये बैठक होनी, इसमें हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, लेकिन संगठन के नेता जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो संगठन के नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। सभी विधायक और मंत्रीगण मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के सदस्य और सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसकी रणनीति बनाई जाएगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आज दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव समेत कई दूसरे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद जो है वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।